अपनी रील्स पर चंद व्यू जुटाने के लिए आजकल युवक मेट्रो में क्या कुछ करते नजर आते हैं। कभी कोई डांस की रील वायरल होती है तो कभी किसी प्रैंक की। हाल ही में एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ लोग मेट्रो के गेट के पीछे रिबन बांध देते हैं। इसके बाद मेट्रो स्टेशन पर रुकती है, कुछ लोगों की एंट्री होती है और उन्हें इस रिबन को काटने के लिए कहा जाता है। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक खत्म नहीं होती। इस रिबन को काटने के लिए कैंची का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि मेट्रो के सुरक्षा कानूनों की धज्जियां उड़ाने का सबूत साफ तौर पर पेश करती है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ युवा मेट्रो के गेट के पीछे एक लाल रिबन को बांध देते हैं। इसके बाद जब मेट्रो स्टेशन पर रुकती है तो वहां पहुंचे कुछ लोगों से एंट्री करने से पहले उद्घाटन करने की अपील करते हैं। इसके बाद यात्री भी हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये चल क्या रहा है। वहीं एक शख्स युवाओं की अपील को मान लेता है और मेट्रो के अंदर दाखिल हो जाता है, जिसके बाद अन्य लोग भी मेट्रो में चढ़ जाते हैं। इस वीडियो को एक यूजर ने शेयर करते हुए लिखा, रिबन सेरेमनी दिल्ली मेट्रो में। इस वीडियो को अब तक लाखों व्यूज मिल चुके हैं। इस वीडियो को देखने के बाद कुछ यूजर्स बेहद नाराज नजर आए। लोगों ने सवाल उठाया कि मेट्रो में आखिर कैंची को लाने कैसे दिया। इस वीडियो को देखने के बाद मेट्रो की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल तो उठते ही है, साथ ही एक सवाल उठता है आजकल के युवाओं की समझ पर। ऐसे में लोग सवाल उठा रहे हैं कि चंद व्यूज और लाइक्स के लिए यात्रियों को परेशान किया जाना और पब्लिक प्लेस को अपना निजी स्टूडियो समझना भला कहां की समझदारी है। वैसे इस बारे में आपका क्या कहना है? क्या पब्लिक प्लेस में इस तरीके के वीडियो को शूट करना सही है? अपनी राय हमसे साझा करें कॉमेंट सेक्शन में। और देश और विदेश से जुड़ी ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान।